3, 2, 1. बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी का भी व्हाट्सएप अकाउंट इजीली हैक कर सकते हैं, ना तो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना ही कोई कोडिंग। तो इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखनी होगी, तभी आपके समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ये पूरा मेथड आपको पूरी तरह से जब समझ में आएगा तभी आप ये पूरी स्टेप्स करके किसी का भी व्हाट्सएप का अकाउंट ईजिली हैक कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आप सभी को ये विनती करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैच जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आती रहेंगी। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जैसे हम चले जाते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है कॉल फॉरवर्डिंग एंड शेड्यूल ऐसी। दोस्तों ये एप्लीकेशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी ही ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का यूज़ ये है कि आपका जो विक्टिम है, आपके विक्टिम के फ़ोन पर जो भी मैसेजेस आएंगे और जो कि भी कॉल्स आएंगे वो हमारे नंबर पर फॉरवर्ड की जाएंगे, वो भी बिल्कुल चुपके से। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आपको लोगों दिखाने के लिए मैंने ये सब किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम ढूंढते हैं हमारा विक्टिम। मैंने तो फोर स्टॉप किया व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं ले सकते। तो हम जाएंगे, हमारा विक्टिम है मैं इसीलिए अब्रॉड के कॉन्टेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे महाभाग है जो यहाँ पर वीडियो में जो कॉन्टेक्ट यूज़ करते हैं उसको बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। तो मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी कि आप वीडियो डिलीट करो, कॉन्टेक्ट डिलीट कर दो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कॉन्टेक्ट करके उनको परेशान करते हैं। इसलिए मैंने बाहरी देश का व्हाट्सएप नंबर मतलब पर्सन को चूज़ किया विक्टिम को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जूलिया क्विनी नाम की एक लड़की है विदेशी, उसका नंबर हम क्या करेंगे कि हैक करेंगे। ठीक है, मतलब उसका व्हाट्सएप अकाउंट हम हैक करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, उसका उसके जो नंबर है उसको कॉपी कर लिया है। अब हम जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में कॉल फॉरवर्डिंग एंड शेड्यूल पे, यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका नंबर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक कर देना है और ये देखिए हमारा कोड क्रिएटेड। ठीक है, और ये हमारा फॉरवर्डिंग अनकंडीशनली रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल, ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब देखिए इसका क्या फ़ायदा होता है। चलो हम जाते हैं व्हाट्सएप पे, यहाँ पर जाइए, एग्री एंड कंटिन्यू करते उनका नंबर यहाँ पर पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम ये नंबर वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन से रिसेंट SMS इन 13 hours एंड कॉल मी इन 3 hours, तो रॉन्ग नंबर करके करते पेस्ट। थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, यहाँ पर क्या करना है, मैंने पहले ट्राई किया था इसलिए ये दिखा रहा है 13 hours के बाद SMS आ गया, फिर 3 hours के बाद। यहाँ पर कॉल का जो ऑप्शन है कॉल मी इन 3 hours, यहाँ पर हमें क्या करना है कि क्लिक करना होता है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ चंद सेकेंड्स में एक कॉल आ जाता है। ठीक है, जो कि विक्टिम के कॉल पर सेंड किया जाता है, वो डाइवर्ट करके हमारे फ़ोन पर आ जाता है। ठीक है, तो उसको पिकअप करना है और उसमें जो कोड बताएंगे वो कोड क्या करना है हमको टाइप करना है और वेरीफाई करना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, यहाँ पर मैंने ट्राई किया था 2-3 बार, सचमुच हो रहा है नहीं अभी, इसलिए 13 hours या 3 hours का टाइम बता रहा है जिसके बाद में हम कॉल करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसका यूज़ करिए आप। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स।